तो फ्रेंड्स आज के वीडियो थ्रू हम बात करने वाले हैं Realme 5 फ्रिज की यूजर्स को Realme UI का लेटेस्ट रूप 5.51 फाइनली कब तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme की तरफ है। एंड साथ ही हम बात करने वाले हैं भाई Realme के यूजर्स को Realme UI का लेटेस्ट जुलाई वाला अपडेट इतना डिले क्यों किया जा रहा है। एंड फ्रेंड्स उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से ज्वाइन हो जाइए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट की न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक नेम लेना चाहता हूँ अफीम चक्रवर्ती जी का। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि भाई आप अपने वीडियो में मेरा नेम एक बार ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर फर्जी आपको बहुत सारा थैंक्स, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट एंड प्यार करते हैं तो दोस्तों उसके लिए बहुत सारा थैंक्स आप सभी को। एंड फिर यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट आपको अगस्त के सेकंड वीक में मिलने वाला है। तो आप पूछोगे कि भाई जुलाई का सिक्योरिटी पैच हमें अगस्त के सेकंड वीक में क्यों मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भैया जी ये अपडेट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था जो कि जुलाई के सिक्योरिटी पैच के साथ बना था, लेकिन ये अपडेट आपको अगस्त मिलेगा और अगस्त के सिक्योरिटी पैच के साथ मिलेगा। वहाँ पर आपको मतलब जुलाई का जो सिक्योरिटी पैच के अपडेट आने वाला था वहाँ पर जितना भी आपको फीचर मिलने वाला था अपडेट तो क्रिएट हो चुका था, वहाँ पर आपको अगस्त का सिक्योरिटी पैच एंड यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता होगा हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने उन पर चाइनीज ऐप को बैन करके रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी हमारे रियलमी के डिवाइसों में 3 ऐप ऐसे भी हैं जो हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट के बाद वो सब प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको चीता क्लीनर क्लीन मास्टर वगैरह जो भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप आती हैं रियलमी के डिवाइसों में वो सब क्लीन हो जाने वाले हैं, आई मीन रिमूव हो जाने वाले हैं नेक्स्ट OTA के थ्रू। एंड यहाँ पर रियलमी के CEO माधव फेट ने एक ट्वीट करके बताया था भाई यहाँ पर जो भी डाटा है हम लोग किसी को फेयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट में ये सब चाइनीज ऐप बंद करके रखे हैं तो हम OTA के थ्रू सभी के सभी चाइनीज ऐप अपने फ़ोन से रिमूव कर देंगे। तो वहाँ पर साथ ही में ये भी बताया गया था भाई अगस्त के अर्ली वीक तक मतलब अगस्त में फर्स्ट वीक तक या फिर सेकेंड वीक तक आपके फ़ोन में एक अपडेट रिव्यू होगा जहाँ पर आपको सारे के सारे चाइनीज ऐप वहाँ पे हटा दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट लेट होने का कारण यही है। एंड यहाँ पर एक दो कारण और आ जाता है जैसे कुछ फ़ोन हो गए रियलमी P2, रियलमी 5, रियलमी 3 प्रो, 5 प्रो, मतलब सभी डिवाइसों हैं यार वहाँ पर फाज में सबको मतलब आपको भी पता होगा रिसेंटली में ही ये अपडेट को मतलब जब अपडेट क्रिएट हो चुका था तब ये चाइनीज ऐप बैन किए गए। यहाँ पर बैन होने के बाद अगर वो अपडेट प्रोवाइड कर देते तो भाई उनको फिर से अपडेट क्रिएट करना पड़ता वो सब क्लेम करने के लिए। मे भी यहाँ पर अगस्त के फर्स्ट वीक तक या फिर सेकेंड स्टार तक यहाँ पर आपके फ़ोन में एक OTA अपडेट रिव्यू किया जाएगा मतलब प्रोवाइड किया जाएगा एंड वहाँ पर सारे के सारे चाइनीज ऐप वहाँ पर हटा दिए जाएंगे। एंड यहाँ पर यार बहुत अच्छी बात है, अपडेट लेट मिले वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा डाटा अगर किसी थर्ड पर्सन के पास फेयर हो तो बहुत गलत बात है। एंड एक चीज़ फ़ायदा आपको पता होगा जब कोई सा भी ऐप को हम परमिशन देते हैं कि भाई आप ये डाटा या फिर ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, आपको पता होगा आप कोई सा भी ऐप इंस्टॉल करते हैं लाइक दैट जब फेरेट इंस्टॉल करते थे या फिर कोई सा भी ऐप टिकटॉक वगैरह इंस्टॉल करते थे तो वहाँ पर आपको कुछ परमिशन भी मांगी जाती थी भाई आप लोकेशन का परमिशन दे दीजिए, डाटा का परमिशन दे दीजिए, मतलब आपके फ़ोन में जो भी डाटा है जैसे कि फ़ोन का मैसेज हो गया एंड गैलरी का कुछ फ़ोटो वीडियो हो गया वो सब परमिशन दे दीजिए। तो वहाँ पर आपकी जितनी भी डाटा थी वहाँ पर ऐप के थ्रू मतलब अपने हिसाब से कंजोर की जाती थी, अपने पास ले ली जाती थी। एंड वहाँ पर ये भी अलाउ रहता है कि भाई अगर हम आपका डाटा लेंगे तो हम किसी थर्ड पार्टी पर्सन को दे सकते हैं, आई मीन फेल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था टिकटॉक के साथ, टिकटॉक फर्स्ट टाइम कुछ डाटा फेल कर दिया गया था लेकिन पूछने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट ये है भाई ये एक ग्लिच था, आई मीन मिस्टेक था, ऐसा कोई बात नहीं हम किसी को डाटा फेयर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर भाई चाइनीज ऐप बैन हुए हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए एंड यहाँ पर आपको पता होगा चाइना एंड इंडिया में थोड़ा सा तनाव है एंड यहाँ पर हमारे जो कुछ आर्मी के जवान हैं वहाँ पर रहते हैं तो लोकेशन वगैरह एक्सेस किया जाता है तो वहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसीलिए सब कुछ थोड़ा व्यवस्था करके ये सब बनाया गया है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। थोड़ा सा अपडेट लेट होने वाला है तो आपको थोड़ा सा भाई कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही होगा, लेकिन दोस्तों आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये अपडेट स्टार्ट हो सकते हैं। फॉर फ्रेंड देयर फिट एंड यार बहुत सारा थैंक। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को यार चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो ये तो आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को शेयर कर देना जिससे ये इन्फॉर्मेशन और भी यूजर्स को पहुँच सके ना। फॉर फ्रेंड देयर फिट एंड बहुत सारा थैंक।